दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से आप अपने 12th एग्जाम को और एनडीए के एग्जाम को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग काफी पैनिक होते होंगे कि आखिर एनडीए के एग्जाम और 12th के एग्जाम को मैनेज कैसे करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका पैनिक जो भी होना होगा वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है और आप चाहते हैं कि एनडीए में भी आपका स्कोर अच्छा हो, लेकिन इस स्थिति में दोस्तों समस्या ये होती है कि आप सोच पाते हैं नहीं सही से कि क्या एनडीए के लिए पढ़े या बोर्ड के लिए पढ़े, कुछ समझ में ठीक से नहीं आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए प्रॉपरली है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरह से मैनेज हम लोग कर सकते हैं एनडीए और बोर्ड को। चलिए मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ, उसको देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर वन कि अगर आप 12th एग्जाम में हैं और अगर आप मैथ सब्जेक्ट्स हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि दोस्तों आपका मैथ का जो है 50% का पोर्शन जो है, यानी पूरी की पूरी 12th की मैथ अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आप आराम से एनडीए का रिटेन एग्जाम मैथ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो आपका एनडीए का कंप्लीट सिलेबस है उसमें 12th का करीब करीब 50% वेटेज होता है। अगर केवल आप 12th के सिलेबस मैथ का पढ़ के जाएंगे आपका एनडीए निकल जाएगा। तो आपका जो 12th का मैथ है उस पर फोकस कीजिए। इसके अलावा जब समय बचेगा अंत समय में, तो उस समय आप अपने ट्रिकी अप्रोच को डेवलप कर लीजिएगा, या अभी पढ़ रहे हैं तो ट्रिकी के साथ साथ आप कंसेप्चुअल चीजों को भी पढ़िए और अपना स्पीड बढ़ा लीजिए। ये तो रहा मैथ के लिए। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, जो स्कूली मैथ पढ़ते हैं, स्कूल वाला किताब पढ़ते हैं, उसी ट्रेडिशनल तरीके से आपको पढ़ना है। थोड़ा सा एफर्ट लगाना है कि आप 12th के मैथ के जो भी PYQ होंगे पिछले साल के वो सारे कर देंगे और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में। दोस्तों, पॉइंट नंबर टू, आप बात करते हैं कि किस तरह से हम गेट पेपर को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैथ की तो बात मैंने आपके सामने कर दी, छोटी सी वीडियो होगी, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। मैथ की बात हो गई, दोस्तों आप बात करते हैं गेट की, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर। अगर आप गेट के सिलेबस को देखोगे तो दोस्तों उसमें सबसे प्रथम स्थान आता है इंग्लिश का, उसके बाद आपका साइंस का आता है। दोस्तों, आप 12th की साइंस पढ़े, हालांकि 12th के साइंस में आपका ज्यादा पोर्शन आपको मदद नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों 12th के कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जैसे साइंस में, फिजिक्स में, खास करके ऑप्टिक्स हो गए दोस्तों, उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, तो आप बिल्कुल घबराओ नहीं। आप अभी आराम से कुछ साइंस की पढ़ाई नहीं करो, जो 12th की आप पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से तैयार करो और उसी को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़कर आप 12th एग्जाम दे दो। जाओ तो सर आपको उसके शर्तों में तो गेट में फेल हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आप एग्जाम जब आपका मान लीजिए कि खत्म होता बहुत बच्चों का लगभग फरवरी के अंत में, बहुत का मार्च में, तो आपके पास आराम से एक मंथ होगा। नहीं भी है दोस्तों तो आप मात्र एक घंटा निकाल के 9th-10th की साइंस को पढ़िए, या आपके पास बहुत सारे आपके आसपास में बच्चे हैं जो 9th-10th की पढ़ाई करते हैं, आप उनके क्लास में जाकर अगर फ्री हैं तो बैठ जाइए, नहीं तो अगर क्लास में नहीं जा पा रहे हैं तो उनके बुक को लेकर आप पढ़ लीजिए और उसका नोट्स बनाकर परमानेंटली अपने पास रख लीजिए और टाइम टू टाइम रिविजन कीजिए। ये तो साइंस में, अगर आप इतना 9th-10th की साइंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं इसके अलावा, तो आप आराम से जो आपका एनडीए का गेट का पेपर है, जैसे 40 से 50 क्वेश्चन साइंस से आते हैं हर साल, तो आप आराम से 30 से 40 क्वेश्चन कर लेंगे। और इंग्लिश के लिए आपको क्या अप्रोच अपनाना है, इंग्लिश के लिए हमें क्या करने, 12th में भी है, टेंशन हो रहा है। दोस्तों, आप जो भी स्टेट बोर्ड की तैयारी करते हैं आप उसकी किताब को पढ़ते ही होंगे, उस किताब को आप समरी को ना पढ़ें, समरी को पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ एनडीए एग्जाम में, आप उसे लाइन बाय लाइन पढ़ें और उसमें से जो भी वोकैब्स निकल रहे हैं उसे याद करने का प्रयास करें। और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा ग्रामर का कंसेप्ट आप पढ़ते चले, हर एक सप्ताह में मेरा ही जैसे क्लास लगता है तो आप मेरे ही क्लास में ज्वाइन कर जाइए, अगर आपको सप्ताह में टाइम मिले तो आप मेरा ही क्लास देख लीजिए, या कोई भी शिक्षक जिससे आप पढ़ते, ये नहीं कहता मेरा ही आप देखें, जिससे आप पढ़ते उनकी क्लास आप देख ले, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, इसमें कहीं से कोई भी बात ऐसे नहीं है कि नहीं मिलेगी, पैनिक होने की थोड़ी जरूरत नहीं, यानी आपका इंग्लिश और साइंस इस प्रकार से तैयार हो सकता है। उसके बाद जब अंत समय बचेगा तो उस समय आप मैराथन में, हमारा मैराथन चलेगा, अलग अलग टीचर का चलेगा, उसमें ज्वाइन करके और तैयारी बढ़िया बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करते हैं। दोस्तों, आप आसपास के क्षेत्र में काफी अखबार आपके आसपास में आते होंगे, तो मैं कुछ आपको अखबार बता देता हूं, जैसे आप इंग्लिश अखबार पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप कोई न्यूज चैनल प्रीफर कर ले, आप जो हिंदी अखबार ना पढ़े, मुझे नहीं लगता हिंदी अखबार में कोई जेन्युइन जानकारी होती है, जितने भी अखबार होते हैं उनमें एड्स छपे होते हैं, फालतू की जानकारी होती है, उसकी चाची मरी, उसके चाचा भाग गए, ठीक है। तो आप चाहे तो कोई YouTube चैनल प्रीफर कर सकते हैं, या आप कोई बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो डिफेंस के न्यूज डालते हैं, उनका आप वीडियो देख सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, या आपको अखबार पढ़ने का मन है तो आप जो अखबार आपको समझ में आता है तो आप उसे अच्छाने से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप आराम से करंट अफेयर्स को भी, सुबह जब सुबह उठते हैं तो मोबाइल चलाने में आप लोग भिड़ जाते हैं, रील्स देखते हैं अलग अलग, तो आप कुछ दिन जो है दोस्तों करंट अफेयर्स की रील्स ही देखिए। इसके अलावा और मैं सजेशन देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ना इंस्टाग्राम चलाने का लत लग गया, ठीक है, तो आपको उसके लत को बरकरार रखना है, लेकिन उस लत को लत में कैसे बदलेंगे, तो जितने भी बहुत सारे ऐसे मतलब दोस्तों वेबसाइट्स हैं या ऐसे इंस्टाग्राम पे दोस्तों पेज हैं जो कि करंट अफेयर्स की डेली मतलब कुछ पेज में वीडियो या दोस्तों कुछ उसके आर्टिकल्स वगैरह
डालते हैं। तो आप डिफेंस से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड जितने भी हैं आप उस तरह उसको चैनल या चैनल हो या दोस्तों कोई भी आपके पेज हो उसे फॉलो कर लीजिए। आप स्क्रॉल भी करेंगे, उसे पढ़ते भी जाएंगे और कॉपी में नोट करते जाएंगे। कई सारे टॉपर्स ने इस तरह से तैयारी की है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप किसी के मैराथन में जुड़कर करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आप ट्वेल्थ पे पूरी तरह से फोकस करो। आप ये मत सोचो कि एनडीए पर है कि ट्वेल्थ पर, इससे रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। आराम से फोकस करके पढ़ाई करो, उसके बाद दोस्तों ट्वेल्थ आपके खत्म होंगे, जो भी समय बचेगा दिन रात मेहनत करके आप एनडीए पे लगा देना, ठीक है। नहीं तो आप ट्वेल्थ के बाद भी एनडीए दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी मैंने जो तरीका बताया उसे जरूर अपनाना, आपका ट्वेल्थ और एनडीए आसानी से मैनेज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आप इसी तरह का और आर्टिकल्स या वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जरूर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और शेयर करना दोस्तों ना भूलें। थैंक यू।